दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आपस में एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं। पुराने मुकाबले की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और T20 विश्व कप के लीग मैच जैसे बड़े मुकाबलों में हार का स्वाद चखाया है, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय टीम अब कमर कसती नजर आ रही है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने 3-0 से T20 सीरीज हराकर न्यूजीलैंड की टीम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, उसे देखकर साफ जाहिर होता है कि अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को कोई मौका नहीं देना चाहती। इसलिए 25 तारीख से शुरू होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी में भी जुट गई है और इसके लिए BCCI ने टीम भी जाहिर कर दी है। लेकिन इसी बीच टेस्ट टीम में जगह न मिलने के कारण भारतीय टीम के T20 कप्तान रोहित शर्मा काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है, जिसे सुनकर सभी भारतीय फैंस काफी हताश और निराश नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं क्या कहा रोहित शर्मा ने टीम में अपनी जगह को लेकर। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में हराकर अपना बदला पूरा करेगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा भारतीय टीम का वो सितारा है जिसके बिना पूरी भारतीय टीम अधूरी है। चाहे वर्ल्ड कप हो या फिर टेस्ट मैच चैंपियनशिप ट्रॉफी हो या T20 विश्व कप, रोहित शर्मा ने हमेशा ही भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दिलाई है और हर परिस्थिति में खड़े होकर अपने देश के लिए ईमानदारी से प्रदर्शन करके दिखाया है। पर ऐसा ही कुछ हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने टीम की कप्तानी को संभालते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझकर तीनों ही मुकाबलों में शानदार पारियां खेलकर दिखाई और टीम को 3-0 जैसी शानदार जीत दिलाने में कामयाब हुए। लेकिन T20 सीरीज के खत्म होने के बाद 25 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में BCCI ने रोहित शर्मा को टीम में शामिल ना करके उन्हें आराम देने का फैसला किया है। लेकिन BCCI के इस फैसले से रोहित शर्मा थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी इस नाराजगी को व्यक्त करते हुए एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे तो BCCI हर खिलाड़ी की प्रतिभा को देखकर ही उनकी काबिलियत के अनुसार मुकाबले खेलने का मौका देती है, लेकिन शायद इस बार उनसे कोई चूक हो गई है, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनका जो टीम सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ रहा है, जिसके बारे में टीम सिलेक्टर्स को समय रहते सोचना चाहिए। खुद के बारे में बात करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि मैं सिलेक्टर्स का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही इस श्रृंखला में खेलने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं और मैं जरूर चाहूंगा कि 2 टेस्ट मुकाबलों की इस सीरीज में मुझे खेलने का मौका मिलना चाहिए। भले ही मैं काफी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहा हूं और मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, लेकिन फिर भी मेरे ब्रेक से पहले ज्यादा जरूरी देश के लिए मेरा कर्तव्य है, जो मैं अपनी टीम को जीत दिलाकर पूरा करना चाहूंगा। लेकिन शायद BCCI ये मौका किसी और को देना चाहती है, इसलिए मैं थोड़ा नाराज जरूर हूं, लेकिन टीम सिलेक्टर्स के आदेश का पूरी तरीके से सम्मान करते हुए उनके फैसले को मानने को तैयार हूं। दोस्तों, रोहित शर्मा के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद भारतीय फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच के लिए थोड़े चिंतित जरूर हैं, पर उन्हें भरोसा है कि भारतीय टीम में खिलाड़ी न्यूजीलैंड को सीरीज में भी 2-0 से हराकर अपनी काबिलियत साबित कर देंगे। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड को हराकर अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।